नमाज के लिए भी बंदोबस्त है यहाँ पे। मुस्लिम कंट्री में आने का यही मज़ा आता है। कैमल के ऊपर जा रहे हैं, ऊपर सारा जो जा रहा है वहाँ पर सनसेट देखने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। सब हम सैंड पे जाना शुरू हो गए हैं अब। ये वो देखें, यहाँ पे भी लोग नीचे खड़े हैं, वो दूर वाली साइड पे भी, तो इस साइड पे, क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ डेजर्ट है। इट वाज वेरी हार्ड, लेकिन सब हम नीचे कैमल्स की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम अपने टेंट्स में चले जाएंगे। अभी हमने यहाँ पर वजू किया है और थोड़ी अच्छी जगह है, देखिए कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर। बड़ा अच्छा लोकेशन है और कैसे ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे इन्होंने सारा अरेंजमेंट किया हुआ है हर चीज़ का। नमाज के लिए भी बंदोबस्त है यहाँ पे। मुस्लिम कंट्री में आने का यही मज़ा आता है, यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे नमाज का जो इन्होंने यहाँ पर सिस्टम बनाया हुआ। तो ये एक रूम है जो प्रे के लिए है, इन्होंने अलग से रखा हुआ। तो यहाँ पर अब हम अंदर जाते हैं। ये देखें, दिस इज़ अ प्रेयर रूम। तो हम यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लंच करेंगे। लंच का स्टार्ट कर रहे हैं और एक कावा भी हमें उन्होंने दिया, मरोकन कावा, इसको यूज़ करें। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ इब्राहिम। इब्राहिम, सो इब्राहिम इज सर्विंग अस टुडे, सो थैंक यू सो मच इब्राहिम। साके आतिफ अली, एंड दिस इज ऑल द गैंग विद मी, यू नो, एंड वी आर जस्ट गेटिंग रेडी टू ईट। थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू गाइस। ओके, सो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का कावा लग रहा है। लेट्स सी, we have been served with this Moroccan salad. हम लोग अब कैमल के ऊपर जा रहे हैं, एक सनसेट का जो है ये एक्सपीरियंस हम करने लगे हैं और इट इज़ गोइंग टू बी अ फन। काफ़ी ज़्यादा दुनिया यहाँ पे और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई सैट ऑन अ कैमल एंड दैट वॉइस एट द बैक, सो इट इज़ गोइंग टू बी फन। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है हम लोगों का। ऊपर सारा जो जा रहा है वहाँ पर सनसेट देखने के लिए, दूर भी एक ग्रुप है जो जा रहा है सनसेट के लिए और एक इस तरफ ग्रुप है जो रेडी हो रहा है सनसेट के लिए। सारे जा रहे हैं साकी। वालेकुम अस्सलाम। सलाम टू ऑल।
कारवां हमारा रवाना है। कितने जबरदस्त अब हमने ओवरटेक कर लिया और अब हम आगे आ गए। और लगते हैं शैडो कैमल के। कैमल्स ने हमें उतार दिया नीचे, तो अब उन्होंने कहा है कि अब आप यहाँ पे ये देखें सैंड के ऊपर चल के वो ऊपर वाले जो पहाड़ है इसका सैंड का उसके ऊपर जाना है और वहाँ से सनसेट जो है वो देखेंगे। पहुँच गए तो ये तो बस जैसे जैसे आगे जाते जाएँ तो ये उससे ऊंचा ऊंचा ही आपको नज़र आता जाता है। तो अभी अब हम लोग जो है वो ये आगे की तरफ जो है वो जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो जितना जा सकते हैं उतना जा के देखेंगे और जहाँ पर हम थक जाएँगे फिर वहीं पे सनसेट होगा हमारा। लोग तो काफ़ी नीचे भी हैं, आप देखें कि ये देखें वो सामने वाली तरफ लोग नीचे हैं इसी तरह से आ गया है वो देखें यहाँ पे भी लोग नीचे खड़े हैं वो दूर वाली साइड पे भी, तो लोग वो काफ़ी नीचे नीचे भी हैं। ये हम ही लोग ज़रा ट्राई कर रहे हैं ये जो सैंड का ये जो है पहाड़ इसके ऊपर हम कहाँ तक चढ़ सकते हैं और जहाँ तक जा सकेंगे वहाँ तक चले जाएंगे, जहाँ थक जाएंगे वहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो अभी जो सिचुएशन नज़र आ रही है इट डजंट लुक वेरी गुड। अपना ठूसो भी मैं इट्स वेरी हार्ड बट लेट्स सी कितना ऊपर जा सकते हैं। स्लोली स्लोली विल ट्राई टू रीच एज मच एज हाई वी कैन। इट्स हार्ड ये वाली सैंड जरा थोड़ी सी बेहतर है यहाँ पे ना सॉलिड है ये नीचे जैसी सॉफ्ट नहीं है तो यहाँ पे पाँव स्लिप नहीं हो रहा पाँव। ये देखें ये ना सॉलिड है सैंड यहाँ पे ये है लेकिन किसी किसी जगह पे सॉलिड होती है, बाकी ज़्यादातर जगहों के ऊपर ये जो है ना ये सॉफ्ट होती है बहुत एंड बिकम इट बिकम सो मच हार्ड फॉर यू टू। यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर जाने के लिए। अच्छा अब हम लोग ना यहाँ पे ऊपर जाने की ट्राई करेंगे लेकिन हम वो नीचे से ऊपर आए हैं और ऑल द वे अप फ्रॉम देयर एंड देन फ्रॉम दैट साइड एंड थ्रू दिस पैसेज। अब इज नॉट ईजी या ईजी नहीं है। स्लो स्टेप्स जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जाएंगे वरना वापस आ जाएंगे। तो लेट्स सी एक्सीलेंट ना ना कम ऑन सो दिस इज वेयर वी आर। Well done. So यहाँ पे ऊपर एंड पे आने के लिए मैंने भी ऐसे किया था वो यही हमने बाकियों को भी एडवाइस किया और देखें यूजिंग हैंड एंड फीट आप फिर ईजिली ऊपर आ जाते हैं क्योंकि ये जो ये जहाँ से मेरे फुट स्टेप नज़र आ रहे हैं ना आपको बस यहाँ तक सैंड पे आप चल के आ सकते हैं, अदरवाइज इसके बाद जो है ना वो चलना जो है आपका वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ से जो फुट स्टेप नज़र आ रहे हैं इसके बाद से ऊपर आना ना बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसीलिए फिर आपको हैंड्स यूज़ करने पड़ते हैं जैसे वो बकरियाँ चलती हैं वैसे आपको उस तरह से यूज़ करके तो इधर ऊपर आना पड़ता है। सो फाइनली वी आर हेयर यू कैन सी विद अदर फेलोज जो आए थे वो सब लोग ये व्हाट्सएप बैठे हैं वो बाकी पार्टी जो है वो ऊपर चली गई है
तो मे बी अभी हम उनको कैच करेंगे थोड़ी देर में। अभी आपको यहाँ से व्यू दिखाते हैं, ये बार बार सन की वजह से और फोकस कर देता कैमरा। यू कैन सी ये सारे डेजर्ट है इस साइड पे, क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ डेजर्ट है, अभी हम इतना अंदर नहीं आए इसके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये जो साइड है यहाँ से, ये जो आपको पीछे ऊंची ऊंची पहाड़ी सी नज़र आ रही है ऑल द वे लॉन्ग, ये सारी अल्जीरिया का बॉर्डर है। तो ये हम इधर, और ये देखें ये जो सहारा की सैंड है और जो दूसरी सैंड है, देखें उसमें कितना डिफरेंस है, आपको दूर से भी पता चल जाएगा कि ये जो यहाँ की सैंड है वो कैसे रेडिश टाइप की है और जो नॉर्मल सैंड है देखें वो लाइट है बहुत ज़्यादा कलर में। तो इट इज़ अ बिग डिफरेंस विच यू एक्चुअली नोटिस। तो अभी यहाँ पे हम सनसेट देखने आए हैं, तो अब यहाँ पे हम सनसेट का वेट कर रहे हैं और इधर बैठेंगे थोड़ी देर, अपना सांस सीधा करेंगे, फिर देखेंगे कि अगर हमने ऊपर जाना, ऊपर तो बस ये साथ ही, दिस इज़ नॉट अ बिग डील। तो लेट्स सी इफ वी गो अप और वी स्टे हियर, लेकिन वी मेड इट। दिस इज अमेजिंग, ये देखिए थोड़ा सा रह गया बस। यह थोड़ा सा टाइम लगा, अभी बादल भी है ना सामने, तो ये एक्चुअल में बादलों के पीछे गया। यू कैन सी दैट, सो अब आप देख सकते हैं इसको कि ये बादलों के पीछे चला गया थोड़ा सा। वाह करते हुए, पहले तो मैं डर रहा था कि वही ना हो गिर ना जाऊं, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं आप पाँव जोर से मारें सैंड में, तो वो लिटरली ये देखें यहाँ यहाँ तक जो सैंड के अंदर पूरी हाफ ये जो लैग है ये चली जाती है नहीं तक। तो लेकिन आप बड़े आराम से नीचे उतर आते हैं, अदरवाइज हमें वो उधर ऊपर से ऐसे यहाँ से ऐसे आना था। उसने कहा नहीं नहीं सीधा जाएं, तो मैंने और एक और मेरा दोस्त था उसने ट्राई किया और हम लोग काफ़ी नीचे आ गए। अब ये देखें कितना मज़ा है, ज़बरदस्त है, देखें एक्सेलेंट। बस अब हम नीचे कैमल्स की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम अपने टेंट्स में चले जाएंगे। और बड़ा मज़ा आया, बहुत कम लोग थे ऊपर, मेरा ख्याल है 6 या 7 पीपल थे, बाकी लोग नीचे ही थे। मुश्किल था ऊपर जाना, लेकिन फाइनली वी मेड इट। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई वाजंट एक्सपेक्टिंग, कि जब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आए थे ना तो रेत बहुत वो थी सॉफ्ट, और ऊपर जाने के लिए जब पाँव रखते थे तो रेत निकल जाती थी पाँव के नीचे से, तो इट वॉज़ बिकमिंग वेरी हार्ड। लेकिन अब जिस वक्त अब हम फाइनली ऊपर चढ़ गए, हम नीचे जाते हुए पता नहीं चल रहा, काश के हम इस तरह ऊपर भी जा सकते। अब ये देखें पाँव कुछ भी नहीं होता, आराम से आप उसको स्टेप करें और आप आगे चले जाते हैं। दिस इज़ वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त रहा एक्सपीरियंस इसका, इट इज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। मुझे लग नहीं रहा था कि हम लोग वहाँ तक ऊपर पहुँच पाएंगे,
काफी ऊपर था एंड ही हेल्प मी थैंक यू सो मच फॉर ऑल द हेल्प इन्होंने हमें गाइड किया था कि आप वहाँ से ना ऐसे सीधे नीचे आ जाएं और इन्होंने हमें ऊपर जाने के लिए भी रास्ता बताया कि यहाँ से ऊपर आ जाएं और इट वाज रियली फन बड़ा मज़ा आया यहाँ से हम लोग वो ऊपर जो वो लास्ट आपको पीक नज़र आ रही है वहाँ पे हम लोग गए हुए थे बहुत कम लोग थे वहाँ पे जो पहुँचे और हम फाइनली नीचे की तरफ जा रहे हैं अब बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था इट वॉज रियली वंडरफुल और वी हैड रियली अ ग्रेट टाइम आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वन एंड होपफुली वील कम बैक टू यू अगेन विद अ न्यू वन एंड आई एम श्योर यू आर गोना लाइक इट